हाय गाइस, वेलकम टू माय लाइफ बडी। आज हम बनाने वाले हैं ड्राई फ्रूट बर्फ़ी। ड्राई फ्रूट्स बर्फ़ी के लिए हम लेंगे 300 ग्राम्स डेट्स। इनको छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लीजिएगा, इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में सीड्स निकाल कर। देन हम लेंगे इसका आधा क्वांटिटी 150 ग्राम्स ड्राई फ्रूट्स। ये आप कोई भी मिक्स कर सकते हो, जैसे कि बादाम, काजू, वालनट्स, सब मिक्स कर सकते हो, पिस्ताशियोज एक्सेट्रा, आपके पसंद के ड्राई फ्रूट्स आप सब ले सकते हो, हेज़ल नट्स भी ले सकते हो। हमने यहाँ पे बादाम और काजू लिया क्योंकि यही अवेलेबल था। सो सारे ड्राई फ्रूट्स को थोड़ा सा रोस्ट करना है, 2 मिनट पैन में रोस्ट कर लीजिएगा इस तरह से। इसके बाद हम लेंगे 2 से 3 टेबलस्पून घी। सो घी अपना प्रेफरेंस के हिसाब से है। सो इसमें हम डालेंगे जो कटे हुए खजूर या डेट्स, इसको कहते हैं, इसमें डालकर मेल्ट करना है। धीरे से धीरे धीरे मेल्ट हो जाएंगे। घी, अब घी जो है अपनी प्रेफरेंस है फ्रेंड्स, जैसे किसी को ज़्यादा घी का टेस्ट पसंद है तो थोड़ा डाल सकते हो आप, किसी को कम पसंद है तो थोड़ा कम डाल सकते हो। बस हमें यह है कि खजूर को थोड़ा सा मेल्ट करना है, बस इतना ही। सो यह जो रेसिपी है फ्रेंड्स, मेरी मॉम बना रही हैं मेरे लिए। और ड्राई फ्रूट्स आपको पता ही होगा बहुत ही हेल्दी होते हैं और प्रोटीन में बहुत अच्छे होते हैं, आयरन होता है यहाँ पे खजूर में, तो बहुत ही हेल्दी स्नैक है। चॉकलेट्स वगैरह जंक फूड से बहुत ही बेहतर ऑप्शन है। सो हमारे खजूर मेल्ट होने के बाद हम ये ड्राई फ्रूट ऐड कर रहे हैं। इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स इस खजूर में डालना है जो हमने थोड़े रोस्ट कर लिए थे ना, वो वाले पूरे ड्राई फ्रूट्स। सो इस तरह सारे ड्राई फ्रूट्स को हम खजूर में डालकर मिक्स करेंगे अच्छे से। ये ड्राई फ्रूट्स आप छोटे टुकड़ों में भी कट कर सकते हो फ्रेंड्स, हमने ऐसे प्रिफर किया कि थोड़े बड़े पीसेस चाहिए। और हम और थोड़ा घी डाल रहे हैं क्योंकि लास्ट टाइम मुझे याद था कि मम्मी ने थोड़ा ज़्यादा घी डाला था। सो यू नो वो जो स्वाद आता है ना जब खाएंगे घी, इसीलिए मुझे बहुत घी पसंद है, तो हम लोग और थोड़ा ऐड कर रहे हैं। आप अगर लाइट चाहते हैं तो कम डाल सकते हो, नहीं थोड़ा टेस्टी खाना चाहते हैं तो थोड़ा ज़्यादा घी भी डाल सकते हो। सो इस तरह से देखिए हमारा मिक्सचर बन चुका है, ये मिश्रण, इसी से बर्फ़ी बनने वाली है। ये मानसून सीजन में ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स, हेल्दी, बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है। सो एक प्लेट को हम ग्रीस कर लेंगे इस तरह से घी से, और इस मिश्रण को डालकर इसे आप रोलिंग पिन से रोल कर सकते हो, थोड़ी बड़ी बर्तन में रख के भी। तो मॉम ने थोड़ा इसे इस तरह से स्प्रेड किया, रोलिंग पिन से बहुत ईजीली आएगा। आफ्टर स्प्रेडिंग इस तरह से लग रहा है, इसको हमें इसी तरह, अब गीला है तो इसी तरह कट कर देना है क्योंकि बाद में थोड़ा ड्राई होने के बाद कट नहीं होगा। सो इस तरह से कट करके हम इसको थोड़ी देर स्टोर करेंगे फ्रेंड्स, इसको 3-4 आवर्स आपको स्टोर करना है। तो इस तरह से कट करके 3-4 आवर्स आपको स्टोर करना है, इसको लिड बंद करके आप स्टोर कर सकते हो। आफ्टर 3-4 आवर्स यू कैन रियली एन्जॉय दिस डिलीशियस बर्फी, ड्राई फ्रूट बर्फी। अब इजीली टूट जाएगा जिस तरह से हम लोग मार्क्स कर रहे हैं ना इस तरह चाकू से। सो आफ्टर 3-4 आवर्स ड्राई होने के बाद इजीली टूट जाएगा। सो ये है डिलीशियस ड्राई फ्रूट बर्फी, प्लीज़ एंजॉय विथ योर फेवरेट ड्राई फ्रूट्स। एंजॉय द डिलीशियस बर्फी फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई लाइफ बडी। बाय, टेक केयर।